महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी बयार अभी धीमी ही पड़ी थी कि अचानक से दो नेताओं की मुलाकात ने इसमें हवा देने का काम कर दिया। ये मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है, जिसके बाद से चर्चाओं का सियासी बाजार गर्म हो गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। ये शिष्टाचार भेंट लगभग एक घंटे चली, जिसमें कुछ राजनीतिक वाद विवाद के कयास लगाए गए। इसके बाद से राउत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर भाजपा में चले जाएंगे। उनका राजनीतिक भविष्य एनसीपी के साथ ही बेहतर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वो उनके साथ न तो शामिल होंगे और न ही भाजपा के गुलाम बनेंगे। हमें अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। इस मुलाकात पर संजय राउत ने अपनी बात सामना के संपादक से भी लिखा। शिवसेना उद्धव बाबा साहेब के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो अजीत पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ आने वाले दिन में बात करेंगे। नागपुर में हमारी 16 मई को रैली है और इस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। राउत ने लिखा कि एनसीपी सुप्रीमो अभिभावक हैं और हम उनके साथ हैं। कल ही मैं और उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। हमारा जुड़ाव फेविकोल की तरह है और कोई इसे अलग नहीं कर सकता। आपको बता दें कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दक्षिण मुंबई के सिल्वर ओक में शरद पवार के आवास पर इस मुलाकात के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। उद्धव और शरद की ये भेंट ऐसे समय में हुई जब हाल ही एनसीपी सुप्रीमो ने अडानी समूह के खिलाफ विपक्ष की जेपीसी की मांग को नकार दिया था। शरद पवार ने कहा था कि अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी सत्ता पक्ष के ज्यादा सांसद होते हैं, इसलिए इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की एक समिति के द्वारा कराए जाना ही सही होगा। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में एनसीपी सुप्रीमो से पहले अजीत पवार को भी भाजपा के समर्थन में देखा गया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एनसीपी नेता ने कहा था कि ऐसा लगता है कि अडानी समूह पर विदेशी फर्म हिंडनबर्ग को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है, तो बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग ने देश के एक औद्योगिक संस्थान को निशाना बनाया है, क्योंकि किसी ने इस फर्म को इससे पहले नाम नहीं सुना है। अजीत पवार ने कहा है कि इस मामले में कई पक्ष हैं, सभी पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। अडानी समूह पर लगे कथित आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिससे सेवानिवृत्त जज भी हैं। इसलिए इस मामले में जेसीबी गठन की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के मुलाकातों से सियासी उबाल आ रहा हो, बल्कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं के बीच कई ऐसी मुलाकातें देखने को मिली हैं जो कभी अपनी अपनी विचारधारा के कारण एक दूसरे से दूर रहा करते थे, लेकिन अजीत पवार और शिंदे की हुई ये हालिया मुलाकात ये बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में और सियासी दाव पेचे देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस बाबा साहेब ठाकरे के धनुष बाण के सहारे उद्धव को वोट मिला था, उस पर एकनाथ शिंदे और भाजपा का अधिकार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सिटी वी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।